तो दोस्तों, अगर आप लोग सस्ते में कोई एमोलेड डिस्प्ले वाला वॉच खरीदना चाहते हैं और लुक भी बेटर चाहिए आपको, देखने में भी S23 लगे, तो आप ये वाला वॉच ले सकते हैं। तो वो सब सॉरी दोस्तों, बकवास बात देता है। तो हमने एक फायरबोल्ट का स्मार्ट वॉच ऑर्डर किया था, तो इसमें एमोलेड डिस्प्ले है, कॉलिंग भी, ब्लूटूथ कॉलिंग भी है और वगैरह वगैरह बहुत कुछ है। तो इसमें IP68 वाटर रेजिस्टेंस भी है। तो वो सब सॉरी है, हमको उनका इतना जानकारी भी नहीं है, हमको सिर्फ दिखाना है और पैसा कमाना है। और तो सबसे पहले इस चाकू की मदद से इसको काट लेते हैं, रैपर वगैरह। देखिए, अच्छे से मैंने इसको काट दिया। तो दिखाने का मकसद यही है कि आप लोग अगर इस सेलिंग में तो कोई वॉच अगर ख़रीदना चाहते हैं तो क्या आपके लिए बेटर रहेगा या नहीं, इसके बारे में हम बातें करेंगे। ये देख सकते हैं, इस डब्बे में बहुत अच्छा वाला स्टाइलिश दिया है। यहाँ पे हमारा धोनी सिंह है। सर जी नमस्ते। और ये जो क्या कहते हैं इसको, स्क्रैप, ये जो स्क्रैप है ना, माफ़ कर दीजिएगा, हमको इतना जानकारी नहीं है। ये जो स्क्रैप है ना, ये दिखने में बहुत ज़्यादा सुंदर है और बहुत ही सिलिकॉन सॉफ्ट है। जैसे कि ये लगाने वाला डिज़ाइन तो मुझे ज़्यादा पसंद नहीं आया, लेकिन है, आईफोन जैसे कॉपी है। और फाइनली वॉच देख सकते हैं 3D कार्ब वाला है। तो क्वालिटी जो है ना, वो तो एक नंबर है, 3D कार्ब है। ये ऑर्डर देने का मकसद यही है क्योंकि इसमें ऑलवेज ऑन डिस्प्ले है, मतलब अगर आप वॉच पहनेंगे तो पता, ये देख सकते हैं, आवाज़ सुनेंगे ना तो आपको पूरा फील आएगा, जो रियल वॉच में होता है ना, ऐसे फील आएगा। सॉरी। और अंदर में क्या क्या है और देख लेते हैं, जैसे कि दूसरे लोग भी अनबॉक्सिंग करते हैं ना, अंदर के बाद बताते हैं, हम भी अंदर बाहर दोनों के बाद बताएंगे आपको। इसके नीचे है, इसके नीचे कुछ तो है लेकिन पता नहीं क्या है। और यहाँ पे है इसका चार्जर। ऐसे नॉर्मली चार्जर में मैंने 2 पिन यहाँ पे देखा, इसमें 4 है, पता नहीं क्यों लेकिन है। और नीचे और कुछ नहीं है, ये शायद वॉच में लगाने वाला है। 4-4 दिया गया, शायद 2 गुम हो जाए और 2 बाद में लगा सकते हैं, कुछ है वाटरप्रूफ के लिए। और यहाँ पे मैनुअल बुक और कुछ धोनी सिंह का कार्ड और कुछ टिकट वगैरह का ऑफ़र वगैरह बुक माई शो के लिए, और कुछ स्पॉटिफाई या गाना सुनने के लिए कुछ सब्सक्रिप्शन है, फ्री में देता है। सब सॉरी, इसको हमको नहीं चाहिए, इसको भी रख देते हैं साइड में। और ये है वॉच, कैमरा कर ले फोकस, और इसमें ऑन कर देते हैं। चार्ज मेरे हिसाब से होना चाहिए था क्योंकि ज़्यादा दिन ये हुआ, तो जिस बात का डर था वही हो गया। चार्ज तो है नहीं, बिजली भी नहीं है हमारे यहाँ पे, फिर भी कोशिश करेंगे इसको चार्ज करने के लिए। चार्जर खोल लेते हैं और इसको अब हम मोबाइल से चार्ज करेंगे। वो भी एक ट्रिक बता देता हूँ आपको, रुकिए, फोकस करो ना करें। तो दोस्तों, ये देख सकते हैं, यहाँ से हमने OTG लगा ली, यहाँ पे मैंने फ़ोन पे लगा दिया और यहाँ से डायरेक्ट लगाएंगे वॉच पे। वाह, मज़ा आ गया, लेकिन चार्ज होता ही नहीं, वो देखना पड़ेगा, वो है सबसे मुद्दा। बा शायद हमारा ये फेल हो गया, लेकिन नहीं है, हम डरने वाला नहीं है और थामने वाला नहीं है, हम इसको चार्ज करते ही रहेंगे। आगा जाओ भाई, हम इसमें लैपटॉप को ऑन करेंगे, उसके लैपटॉप के जो USB है यहाँ पे इसको लगा देंगे, अब तो 100% चार्ज हो जाएगा। ये मेरे देख सकते लिखा है, उल्टा करा मैंने, ये सीधा हो गया, देख सकते हैं, ऑन करने का ज़रूरत भी नहीं पड़ा, ऑटोमेटिक ऑन हो गया। तो इसको हम चेक करेंगे, इसका जो डिस्प्ले का जो बेजल्स है ना, वो देख सकते हैं, थोड़ा ज़्यादा है, मतलब साइड से बहुत ज़्यादा है, थोड़ा नहीं। तो ऐसे डिस्प्ले तो बहुत बड़ा है, लेकिन जो सॉरी डिस्प्ले के ऊपर एरिया बहुत बड़ा है, लेकिन जो डिस्प्ले का साइज़ है ना, वो बहुत छोटा है। ठीक है, चलेगा, कोई तक नहीं, औकत के हिसाब से ठीक है और अच्छा लगता है देखने में। तो हम इसको देख लेते हैं सेटिंग्स में,
ऑलवेज ऑन है कि नहीं। अब रहा था वॉच फेस के अंदर मेनू ब्राइटनेस यहाँ पे है दोस्तों है, लेकिन टाइमर है कुछ, मतलब इतना टाइम ही रहेगा उसके बाद ऑफ हो जाएगा। बात एक ही हुआ क्योंकि वो ज़्यादातर बैटरी सेविंग के लिए दिया है आपको, ये आप नीचे देख सकते हैं। तो थोड़ा चार्ज भी मिटा देते हैं, उसके बाद इसका जो ग्रिप है उसको भी लगा देते हैं, क्या बोलते हैं उसको पता नहीं।